हाय गाइस, मैं हूँ देबलना एंड वेलकम टू माय चैनल पॉप्सी गर्ल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं टू ग्रो योर हेयर्स ऑन बाल्ड एरियाज, जहाँ से आपकी हेयर लॉस हो रही है। अगर आपकी हेयर लॉस हो रही है, फॉल हो रही है, तो उस रेमेडी को यूज़ करके आप अपने हेयर लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं एंड अपने हेयर ग्रोथ कर सकते हैं अगर आपके बाल्ड पैचेस हैं तो। Now I have already shared the results in community post, जहाँ पर मैंने एक अपने सब्सक्राइबर को रेमेडी शेयर किया था एंड थ्रू मेल। तो उन्होंने अपनी पिक सेंड की थी बिफोर एंड देन ही इज़ कंटिन्यूइंग स्टिल सेंडिंग मी द पिक्चर्स। तो यहाँ पर जो बिफोर पिक्चर है, ऑफकोर्स आप बोलेंगे कि बिफोर एंड आफ्टर में डिफरेंस है, ऑब्वियसली है, लेकिन आप ज़रूर ये बोलेंगे कि बिफोर में ऑब्वियसली ही हैज़ उन्होंने शेव कर रखा है अपने हेयर्स को एंड ऑब्वियसली आफ्टर 45 और 30 डेज हेयर ग्रोथ तो होनी ही होनी है। येस, ऑफकोर्स हेयर ग्रोथ होगी, लेकिन आपको एक और चीज़ ये नोटिस करनी है यहाँ पे कि जो एरिया जहाँ पे एकदम बहुत ही साफ हो चुका है, जो थोड़ा सा जो पैच बीच में स्पेशली है, बीच की जो मांग होती है वहाँ पे, स्पेशली जो हल्का सा पैच है वहाँ पे भी हल्की हल्की हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। सो इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि आपका हेयर ग्रोथ होगा ही नहीं, इट विल टेक सम टाइम ऑफकोर्स एंड देन ज़रूर हेयर ग्रोथ आपकी होगी। नाउ जितनी पुरानी बाल्ड पैच है, जिसकी जितनी पुरानी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, उतना टाइम आपको लगेगा। यू हैव टू कंटिन्यू यूजिंग द रेमेडी रेगुलरली, आपको यूज़ करना है। एंड जिनकी रीसेंट है, ऑब्वियसली विद इन 45 डेज और 2 months और 3 months मैक्सिमम आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ऑफकोर्स दिस इज़ अ होम रेमेडी, तो होम रेमेडी को टाइम लगता है थोड़ा रिजल्ट शो करने के लिए, तो यू शुड हैव पेशेंस ऑफकोर्स। तो अगर आपको भी अपना हेयर ग्रोथ करना है, देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। नाउ ऑब्वियसली मैंने आपके साथ बहुत सारे हेयर ऑयल शेयर किए हैं इन प्रीवियस वीडियोज़ एंड आप बोल रहे होंगे कि उनको यूज़ करना छोड़ दें। आई वुड से एब्सोल्युटली नॉट, आप उनको भी इस रेमेडी के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो पहले रेमेडी देख लेते हैं, उसके बाद आई विल टेल यू कि किस तरह से आप प्रीवियस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। जो आपको ऑयल पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं एंड व्हाट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इन दिस रेमेडी, दैट आल्सो आई विल गोइंग टू टेल यू। तो लेट्स मूव ऑन टू द रेमेडी। सो रेमेडी के लिए फर्स्ट आई एम टेकिंग अ पैन, इसको एकदम लोएस्ट फ्लेम में मैंने ऑन कर दिया है एंड आई एम एडिंग कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हम इसलिए गर्म करने में स्पेशली आई यूज़ बिकॉज उसका जो स्मोकिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑयल्स। तो इसलिए इट इज़ सेफ़ टू यूज़ अ कोकोनट ऑयल एंड इसको हल्का सा गर्म या इसको गर्म या थोड़ा सा बॉयल करने के बाद भी इसकी जो प्रॉपर्टीज़, इसकी जो बेनिफिट्स होते हैं, इट स्टिल रिमेन इंटैक्ट इन टू द ऑयल। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी हेयर ऑयल अगर बनाते हैं तो कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए। आप चाहे तो दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक सेसमे ऑयल, यानी कि जो तिल का तेल होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कोकोनट ऑयल, अगर आप वो यूज़ करना ना चाहे तो। ओके, सो आई एम टेकिंग कोकोनट ऑयल एंड देन आई एम एडिंग मेथी सीड्स हियर। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1 teaspoon के करीब मेथी सीड्स लिया है एंड देन आई विल बी एडिंग कड़ी लीव्स, सम कड़ी पत्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नाउ मेथी, कड़ी पत्ता, क्या बेनिफिट्स है इन सब के? तो मेथी जो है ये एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल इसमें प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपके स्कैल्प को इन्फेक्शन से दूर रखता है, साथ ही साथ आपके स्कैल्प को हेल्दी रखता है एंड हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इवन करी लीव्स में भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपके स्कैल्प हेल्थ को मेंटेन करता है, इम्प्रूवाइज़ करता है, आपके हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके स्कैल्प को इम्प्रूवाइज़ करता है, हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, हेयर ग्रोथ इंक्रीज़ करता है, बूस्ट करता है। प्लस मेथी एंड करी लीव्स जो आपके हेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड इट इज़ फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स, जो आपके हेयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हेयर को डैमेज करते हैं या फिर हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, उनके लिए एंटी ऑक्सीडेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए वी आर यूजिंग करी लीव्स हियर।
एंड जिस एंटीऑक्सीडेंट की वजह से आपके हेयर जो हेल्थ है वो इम्प्रोवाइज होती है. जो रेडिकल्स होते हैं जो हमारे हेयर को डैमेज करते हैं वो हेयर फॉल हेयर लॉस के लिए ज़िम्मेदार होते हैं. इसलिए वी आर यूजिंग करी लीव्स मेथी एंड कोकोनट ऑयल. ऑफकोर्स आपके हेयर को बहुत अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज रखता है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग कोकोनट ऑयल हेयर. नेक्स्ट इसको बस हल्का सा जब इसमें से क्रैकलिंग स्टार्ट हो जाएगी, करी पत्ते की जो क्रैकलिंग होती है, जो बबल्स आना होते हैं वो स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट स्विच ऑफ द गैस एंड इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे. सो कीप इट ओवरनाइट, दैट वुड बी बेटर. इससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स है करी लीव्स एंड मेथी के वो अच्छे से ऑयल में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे. ओवरनाइट के बाद यू कैन यूज़ दिस ऑयल. तो मैंने यहाँ पे जितना मुझे यूज़ करना है वन टाइम के लिए आई एम टेकिंग दैट मच ऑयल एंड उसके बाद आई एम टेकिंग ऑनियन पल्प. इससे हम ऑनियन जूस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट अ मेन इन्ग्रीडियंट थोड़ी देर पहले. तो ऑनियन जूस इज़ द मेन इन्ग्रीडियंट हियर विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेरी एसेंशियल इन दिस रेमेडी. तो ऑनियन जूस में क्या होता है कि बहुत सारा अमाउंट ऑफ सल्फर होता है, कैरेटीन होता है विच इज़ अ प्रोटीन जो कि आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, आपके हेयर की जो हेल्थ है उनको इम्प्रूव करता है, आपके हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करता है. एंड देन ऑनियन जूस ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है एंड आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है. That's why I'm using castor oil. Castor oil is optional. अगर आपके पास है आप use कर सकते हैं, amazing benefits you will get. अगर नहीं है not a problem at all. But onion juice is very important. अगर चाहे तो इस जो मेथी करी लीव्स कोकोनट ऑयल जो मैंने मिक्स करके जो ऑयल प्रिपेयर किया है वो अगर आप ना भी करना चाहे तो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. जो प्रीवियस ऑयल मैंने अब तक आपके साथ शेयर किए हैं इवन वो ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं एंड जस्ट ऐड अनियन जूस टू इट. तो अनियन जूस ऐड करने के बाद अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है. उसके बाद इसको विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन बॉल जस्ट अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प ऑन योर हेयर्स एज अ हेयर पैक एंड देन इसको आप ओवरनाइट छोड़ सकते हैं. अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ते हैं तो. एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप ऑनियन जूस को अपने सर पे ओवरनाइट नहीं रख सकते हैं बिकॉज ऑफ सम स्मेल ऑफ अनियन देन आप इसे एटलीस्ट 1 आवर के लिए छोड़ दीजिए. 1 आवर में 1 आवर इज़ इनफ कि आपके जो बेनिफिट्स होते हैं हेयर पैक के या हेयर ऑयल के वो आपके जो स्कैल्प है या आपकी जो स्किन है वो अब्सॉर्ब कर लेती है अच्छे से. ओके एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि जो मेरे सब्सक्राइबर है जिन्होंने ये रेमेडी यूज़ की है फॉर 45 डेज एंड स्टिल ही इज़ यूजिंग द रेमेडी, उन्होंने ये ऑयल प्रिपेयर नहीं किया था ना. ये सबसे बड़ा मेन ये है कि जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है या जो लोग हॉस्टल में या पीजी में रहते हैं जिनके पास ये सब चीज़ें हैं नहीं टू प्रिपेयर ऑयल, तो इन दैट केस मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बस कोकोनट ऑयल एंड ऑनियन जूस ये ही दोनों मिक्स करके यूज़ किया है एंड यही दोनों इंग्रेडिएंट यूज़ करने के बाद उनका ये अच्छा ग्रोथ आया है. सो इमेजिन इफ़ यू आर यूजिंग अ होममेड हेयर ऑयल, जो अब तक मैंने जितने भी हेयर ऑयल शेयर किए हैं उनके साथ अगर आप ये ऑनियन जूस यूज़ करते हैं देन अमेजिंग बेनिफिट्स यू आर गोइंग टू गेट. सो प्लीज़ इस रेमेडी को यूज़ कीजिए फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट. तो यही था आज का रेमेडी. बहुत ही सिंपल, बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.